जिला नियोजन समिति की बैठक नियोजन भवन में संपन्न हुई। चंद्रपुर जिले के विकास हेतु इस वर्ष 606.32 करोड़ के वार्षिक प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। नियोजन भवन में हुई इस समिति की पहली बैठक में 28 को होने वाली राज्य स्तरीय बैठक में जिले के लिए 426.31 करोड़ की अतिरिक्त निधि की मांग करेंगे, ऐसा आश्वासन पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस समय दिया। बैठक में जिले की प्रमुख मांगों के सुधार हेतु नियोजन समिति में पृथक लेखा शीर्ष मंजूर करने की मांग रखी गई। वहीं 2019-20 के पुनर्विनियोजन समिति की मान्यता ली गई। चंद्रपुर जिले के सड़कों की स्थिति योग्य बनाने, जिला नियोजन में अलग विभाग बनाना, महावितरण की हाई टेंशन और दुर्घटना प्रवण सड़कों को पहचान कर वहां उपाय योजना करना, सभी महसूल विभाग एकत्रित करने, तहसील स्तर पर संकुल निर्माण करना, आंगनबाड़ी निर्माण कार्य को प्राथमिकता आदि कार्यों को इसमें प्राथमिकता से मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी दुरुस्ती, बिजली मंडल से डीपी लगाने अनुमति को होने वाला विलंब, सड़क सुरक्षा अंतर्गत उपाय योजना, भूगुस में नगर पंचायत स्थापन करना, इसके अलावा शिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस सेवा के बारे में उत्कृष्ट सुविधाएं देने, जरूरी प्रावधान करने की सूचनाएं पालक मंत्री ने इस समय की। इस बैठक में पालक मंत्री वडेट्टीवार के अलावा सांसद सुरेश धानोरकर, विधायक प्रतिभा धानोरकर, कीर्ति कुमार भांगड़िया, विधायक किशोर सोरगेपार, महापौर राखी कंचलावार, जिलाधिकारी डॉ. कुणाल खिमनार, जिला परिषद सीईओ राहुल कार्डिले, प्रकल्प अधिकारी योगेश कुंभेजकर, मनपा आयुक्त संजय काकड़े, जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले इन आदि की उपस्थिति थी।